लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बबाना की दुश्मनी के बीच संपत नेहरा की एंट्री ने न केवल दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाया बल्कि पंजाब पुलिस के ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से गैंगस्टर संपत नेहरा नीरज बबाना से बदला लेना चाहता है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि संपत नेहरा किसी भी कीमत पर इस बार लॉरेंस बिश्नोई के सपनों को साकार करके ही छोड़ेगा। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर से प्लानिंग कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि संपत नेहरा अब किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर नीरज बबाना गैंग को चलने के लिए नहीं देगा। आपको बता दूं दोस्तों, नीरज बबाना और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का चर्चा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। चारों तरफ आप लोगों ने सुना होगा किस तरह से नीरज बबाना लॉरेंस से बदला लेना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश नीरज बबाना से बदला लेना चाहता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है नीरज बबाना इस बार जेल के अंदर से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन संपत नेहरा को जैसे ही मालूम चला कि नीरज बबाना जेल के अंदर से लॉरेंस को टपकाने का प्लानिंग कर रहा है, दोस्तों संपत नेहरा ने राजस्थान के एक शूटर से संपर्क करा। हाल ही में बताया जाता है गैंगस्टर संपत नेहरा ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक शूटर को भेजा जो कि दिल्ली के अंदर आकर नीरज बबाना गैंग को निपटाने का प्लानिंग कर रहा था, जिसके बारे में बताया जाता है दोस्तों उसका नाम गैंगस्टर पंकज उर्फ बाबा था। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर पंकज उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पंकज उर्फ बाबा की गिरफ्तारी के बाद जिन सब बातों का खुलासा हुआ है उन तमाम चीजों को जानकर लोगों का दिमाग हिल जा रहा है। बताया जाता है शूटर पंकज उर्फ बाबा को जब गिरफ्तार करा गया उसके बाद दिल्ली पुलिस के सामने उसने जो खुलासा करा दोस्तों उसको जानकर तो दिल्ली पुलिस भी दंग रह गई। बताया जाता है शूटर पंकज उर्फ बाबा राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड कर चुका है और बाद में दोस्तों उसने लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित होकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये कहा जा रहा है दोस्तों दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को मजबूत करने के लिए उस शूटर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दोस्तों जिस तरह से संपत नेहरा के बारे में पता चला है कि जेल के अंदर से वो कांड करवाना चाहता है, नीरज बबाना को निपटाना चाहता है, क्या दिल्ली के अंदर नीरज बबाना को संपत नेहरा टपका पाएगा? आपको बता दूं दोस्तों, नीरज बबाना फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर से ही वो अपने गैंग को संचालित कर रहा है, लेकिन बताया जाता है शूटर पंकज उर्फ बाबा की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों आप लोग बताना, जिस तरह से नीरज बबाना के पीछे गैंगस्टर संपत नेहरा हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्या संपत नेहरा अपने मंसूबे को पूरा कर पाएगा? हालांकि दोस्तों हाल ही में खबर निकलकर सामने आई थी कि संपत नेहरा का रिमांड पुलिस ने लिया था। पंजाब पुलिस की हिरासत में संपत नेहरा से कई तरह का सवाल जवाब करा गया था और दोस्तों ये भी कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि देश के कोने कोने में ड्रग्स तस्करों से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों इस बीच बताया जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करी, जिसके बाद बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ड्रग्स तस्करों से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रखता, ये केवल और केवल एक तरह का झूठा आरोप है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त बताते हैं, उनका ये कहना होता है कि लॉरेंस बिश्नोई कभी भी देश के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाता है। लेकिन दोस्तों देखते हैं जिस तरह से नीरज बबाना और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी के बीच यंगस्टर संपत नेहरा का एंट्री हुआ है, क्या संपत नेहरा कुछ उखाड़ पाता है या फिर नहीं उखाड़ पाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल दोस्तों सबसे बड़ी खबर यही थी कि संपत नेहरा ने नीरज बबाना गैंग को निपटाने के लिए जिस शूटर को भेजा था उस शूटर पंकज उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके अलावा आप लोग कमेंट में लिख के बताना नीरज बबाना को जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश टपकाने की फिराक में है, क्या ये लोग ऐसा कर पाएगा? नीरज बबाना ज्यादा मजबूत है या फिर लॉरेंस बिश्नोई मजबूत है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इसके अलावा इस वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन मत करना, कभी भी किसी भी अपराधी से दोस्ती मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना। जय हिंद।